हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपने GB व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है जब भी आप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में GB व्हाट्सएप को। तो दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम क्यों देखने के लिए मिलती है और आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम आपको तब देखने के लिए मिलती है जब भी आप कोई हार्मफुल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो मोबाइल की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो उनको रोकती हैं कि आप कोई भी ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें अपने मोबाइल में जिससे आपका डाटा लीक हो, लेकिन आप फिर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही यहाँ पे जी व्हाट्सएप डाउनलोड करके रखा हुआ है, अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल पर, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इंस्टॉल पर क्लिक करते समय यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग होगी और यहाँ पे इंस्टॉल होते ही होते मुझे एक एरर देखने के लिए मिलेगा, हार्मफुल ऐप ब्लॉक्ड। तो दोस्तों, आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल का जो डाटा वगैरह है वो लीक हो सकता है। तो आप फिर भी इसके बाद भी अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गॉट इट पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ऐप नॉट इंस्टॉल है, तो डन करेंगे इसको और बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद प्ले स्टोर को ओपन करना है आपको। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट। ठीक है, तो सिंपल से प्ले प्रोटेक्ट पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा ऊपर सेटिंग्स का, तो सिंपल से आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर देना है। जैसे आप इसे टर्न ऑफ करेंगे तो दोनों ही ऑप्शन ऑफ हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, बैक चले जाना है और फिर से आ जाना है क्रोम ब्राउजर में और इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अब देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलिंग हो रही है और यहाँ पे देख सकते हैं ऐप ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ऐप आ चुका है। दोस्तों, इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोच के और समझ के ही इसको इंस्टॉल करें अगर आप करना चाहते हैं। तो वैसे मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ।